अभी अभी अयोध्या में राम जी आए हैं। ये कब का मामला था? 1528। समाधान कब हुआ? 2019-20 में। किसने किया? सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र ने। जब मुगल काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र से, संविधान से, तो 1932 अंग्रेजों के टाइम का समस्या क्यों नहीं समाधान होगा? हम एक जाट का बेटा है लेकिन नेता जमात का है, क्योंकि हमने जो बात उठाया है, हमने विस्थापन का मुद्दा उठाया है, विस्थापन का जात नहीं होता है। हमने पलायन का बात उठाया है, पलायन का जात नहीं होता है। हमने स्टूडेंट का बात उठाया है, स्टूडेंट का जात नहीं होता है। हमने जमीन अधिग्रहण पर बात उठाया है, जमीन अधिग्रहण का जात नहीं होता है। हाँ, हम एक जात का बेटा हो सकते हैं, नेता जमात का है। जी नहीं, हम कभी बारी बिक्री की बात नहीं किए हैं। हम झारखंड में झारखंडियों के अधिकार की बात किए हैं। आज जो लोग कहते हैं कि धनबाद बोकारो में भोजपुरी का लेकर विवाद शुरू हुआ था, हमने शुरू में कहा कि बिहार की सीमा से जो बॉर्डर लगता है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा से जो बॉर्डर लगता है, वहां भोजपुरी बोलने वाले हो सकते हैं, धनबाद बोकारो में मूलवासी कोई नहीं बोलता है। जिनको लगता है ये बाहरी भीतरी की लड़ाई है, मैं पूरे आंकड़े के साथ कहता हूँ, महाराष्ट्र में लगभग 20 लाख भोजपुरी बोलने वाले हैं। जाइए ठाकरे से भोजपुरी की मान्यता लेके आइए। बंगाल में भी 15 लाख भोजपुरी बोलने वाले हैं, जाइए दीदी से मान्यता लेके आइए। झारखंड बाबा जी का ढाबा है, झारखंड बाबा जी का ढाबा है। यहाँ फल्ला बोलने वाले हैं, यहाँ चिल्ला बोलने वाले हैं, ये बाबा जी का ढाबा है। हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते हैं। हर भाषा का एक क्षेत्र होता है, हर भाषा का एक भूमि होता है। हमने किसी भाषा का विरोध नहीं किया है, लेकिन कोई भाषा अगर थोपा जाएगा जो हमारी नहीं है, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमने चिड़िया को कभी गाने से नहीं रोका है। आप अपनी भाषा में गाइए, बात कीजिए, हम स्कूल कॉलेज में मान्यता नहीं देंगे, उसके खिलाफ है। अरे आप गुजराती बोलिए, मराठी बोलिए, तेलुगु बोलिए, तमिल बोलिए, भोजपुरी बोलिए, मगही बोलिए, अंकिका जो भी है बोलिए, बोलने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। हमारी जो सरकारी मान्यता कहते हैं, जिसको हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है, जहाँ कंपटीशन के एग्जाम में लिखा जाता है, हम वहां मान्यता देने के विरोध में है। चीजों को समझिए। अब बात आती है 1932 का ध्यान। बात आती है 1932 के खतियान की। लोके पोलो हथोन, ये अंग्रेजों के टाइम का कानून है, नहीं चलेगा। ये 1932 अंग्रेजों का कानून है। तो चलिए वो सुंदर उदाहरण, अभी अभी अयोध्या में राम जी आए हैं। ये कब का मामला था? 1528 का। समाधान कब हुआ? 2019-20 में। किसने किया? सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र ने। जब मुगल काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र से, संविधान से, तो 1932 अंग्रेजों के टाइम का समस्या क्यों नहीं समाधान होगा? लॉजिकली बात कीजिए ना, लॉजिकली बात कीजिए, क्यों समाधान नहीं होगा? और आप बोलते हैं अंग्रेजों का कानून है। चलिए हम पूछना चाहते हैं, बोकारो में कलेक्टर है कि नहीं है? डिप्टी कलेक्टर है ना, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर अंग्रेजी है, थोड़ा उच्चारण में सुविधा होता है। अच्छा बताइए तो कलेक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टर? अरे कलेक्टर का मतलब होता है जो कागज कलम लेके चंद, अभी जैसे रोड में लोग चंदा ले रहा है, तो क्या बोलते हैं? कलेक्ट करना, यानी जो चंदा ले रहा है कलेक्ट कर रहा है, जो टैक्स ले रहा है कलेक्ट कर रहा है, जो घर घर में चावल लेता है उसको बोलते हैं कलेक्ट करना। तो ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों के टाइम में जो व्यापारी लोग से वसूली करता था, जो किसान से लगान वसूली करता था,
उसी को एक अधिकारी बनाया गया था जिसको अंग्रेज कलेक्टर बोला था। आज कलेक्टर की व्यवस्था चल रही है 1932 कहने चलेगा, कहने चलेगा। अब आता है कलेक्टर से ऊपर आता है कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर है झारखंड में, कई गो 5 गो, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान, पलामू, 5 गो है हमारे पास। क्या है? डिविजनल कमिश्नर, यानी इसको क्या बोलेंगे? प्रमंडल आयुक्त। अब बताइए कमिश्नर का मतलब क्या होता है? अरे वो बच्चा बच्चा जानता है कि कमिश्नर आया है कमीशन से, कमीशन, यानी अगर ही हमको 10 रुपया लाके दिया उसमें 2 रुपया कमीशन जेब में रख लिया, उसी को कमिश्नर बोला जाता है। यानी कलेक्टर जो पैसा उगाही करके देता था, कलेक्टर जो लगान जमा करके देता था, कलेक्टर जो चंदा इकट्ठा करके देता था, कमिश्नर उसमें अपना 2 रुपया कमीशन लेके, 5 रुपया कमीशन लेके अंग्रेजों के खजाने में लेके जाता था, उसको कमिश्नर बोला गया। अच्छा कलेक्टर चल रहा है ना, कमिश्नर चल रहा है ना, जब अंग्रेजों की व्यवस्था कलेक्टर और कमिश्नर है तो 1932 भी चलना चाहिए सीधा बात। कि कोई गलत बात बोले? बोले क्या? कोई गलत बात नहीं बोले। इसलिए आज जितने भी लोग आए हैं, मैं इनको साफ साफ कह दूं, हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। आज बोल रहे थे कि ना कितने बाहरी भित्री कर रहा हो, ले सीजीएल के परीक्षा रद्द भाई गलो पटना से ले। बोल रहे थे ना, अरे छोड़ा तो महत्व घर के लगो, कुर्मी घर के लगो, ले कने गले बरम ऋषि अखिलेश रॉय, तो और सामाजिक लोग के परीक्षा रद्द ना बेलो की हो हाँ? ए मंडल दा तो और घर के लोग के परीक्षा रद्द ना बेले की, अर्जुन राजवर्धन परीक्षा रद्द ना बेले की, अमर किधर घर खाली महत्व के लग परीक्षा रद्द बेले ले। जयराम महतो एक जाप का बेटा हो सकता है, नेता जमात का है। यदि हम कहें कि किसी जात का बेटा नहीं है, यह गलत बात है। सबकी अपनी जाति है, 3000 साल से व्यवस्था है, कोई ब्राह्मण है, कोई भूमिहार है, कोई राजपूत है, कोई कोयरी है, कोई कुर्मी है, कोई तेली है, कोई अंसारी है, कोई अख्तर है, कोई रजवार है, कोई रजक है, कोई बावरी है, कोई संथाल है, कोई मुंडा, कोई उराव है। हम एक जात का बेटा है लेकिन नेता जमात का है, क्योंकि हमने जो बात उठाया है, हमने विस्थापन का मुद्दा उठाया है, विस्थापन का जात नहीं होता है। हमने पलायन का बात उठाया है, पलायन का जात नहीं होता है। हमने स्टूडेंट का बात उठाया है, स्टूडेंट का जात नहीं होता है। हमने जमीन अधिग्रहण पर बात उठाया है, जमीन अधिग्रहण का जात नहीं होता है। हाँ हम एक जात का बेटा हो सकते हैं, नेता जमात का है। इसलिए आज परीक्षा ले पटना से, धनबाद में 26 को बच्चा का बहाली था, नेतरहाट में यूपी बिहार वाला कब्जा कर लिया है। हमें यूपी बिहार से कोई शिकायत नहीं है, उनके हिस्से में जो हिस्सा है उसमें पुदीना लगाए, धनिया लगाए, खाए कमाए, कौन मना किया है? इधर हमारा हिस्सा लगाए, परती रद्द का तौर की रे, परती भी रद्द का तौर की। क्या गलत बोले भाई?